Hello, Slawory, my friends. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the topic of image formation by a convex lens. As you know, guys, in previous class we have discussed the rule for image formation by a convex lens, and now we are going to start in this class with the topic of image formation by a convex lens. All right. So, today image formation ke six cases. छः तरीके से हम देखेंगे कि भाई अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम टू एफ से पहले जैसा केस वन में हम कह रहे हैं वैन एन ऑबजेक्ट इस प्लेस बिफोर टू एफ अगर ऑब्जेक्ट को हम टू एफ से पहले प्लेस करते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट को टू एफ पे प्लेस करते हैं तो इमेज का फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट को एफ एंड टू एफ के बिटवीन प्लेस करते हैं या एफ पे प्लेस करते हैं ये सारे केसेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे सिक्स केसेज एंड टोटल तो उसमें चलते हैं सबसे पहले जो इसमें मेन काम है ना बेटा वो है रेट डायग्राम बनाना तो अब इसकी रे डायग्राम आप लोग अच्छे से बनानी आ जाएगी तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी ख़ुद लिख सकते हैं तो हम एक ही करके रूल्स डिस्कस करेंगे मतलब सॉरी केसेस डिस्कस करेंगे ठीक है तो आप लोगों ने भी साथ साथ इसकी बनाई डायग्राम पहले अच्छे से समझने के डायग्राम जो है वो कैसे बन रही है फिर आप लोगों ने बनानी है डायग्राम कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी कैसे फॉर्म होगी ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे तो जल्दी से इन डाल दें इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वैक्स लेंस केस वन की यहीं डाल के केस वन लिख लिएगा कि वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिफोर टू एफ अगर ऑब्जेक्ट टू एफ से पहले प्लेस हुआ हुआ हो कॉन्वैक्स लेंस के सामने तो बेटा इमेज कहाँ फॉर्म होगी चलते हैं इसकी रे डायग्राम बनाने वहीं डाल देंगे बेटा रे डायग्राम की और रेड डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे बेटा प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है तो प्रिंसिपल एक्सेस आपने जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो बनानी है और आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि भाई रूल जब हम पढ़ रहे थे कि जब हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इसमें फाइव पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं जिसमें एक को टू एफ एक को एफ फिर ओ फिर एफ़ और टू एफ और सब में इक्वल डिस्टेंस होगा तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे बेटा थोड़ी सी मेजरमेंट इस वजह से जरूरी है ताकि कोई डायग्राम एक्यूरेट बन सके तो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न ये होता है कि भाई हमारा हमने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर लेकिन इमेज नहीं बन रही इमेज यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही तो इमेज कैसे फॉर्म होगी अगर डायग्राम में एक्यूरेसी नहीं होगी तो अगर इसको डायग्राम को वैसे बेटा मेजरमेंट से बनाना ज़रूरी नहीं आप अंदाजे से ही बना सकते हैं बस डायग्राम से ही बनाए लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा नहीं हो पा रहा मेजरमेंट मतलब अगर आप मेजरमेंट को फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट बनेगी मेजरमेंट में ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है बस आपने एक लाइन ड्रॉ करके स्ट्रेट आपने फाइव पॉइंट मार्क करने इक्वल डिस्टेंस से थ्री थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें आप लोगों की मर्जी है अगर थ्री थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे तो बेटा बहुत अच्छी बात है तो आपने क्या करना है कि भाई थ्री थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना है ठीक है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट हो जाएगा सेंटर में जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं ठीक है तो यहाँ से अगर हम फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं कि भाई एक पॉइंट है आपके पास टू एफ ठीक है एक पॉइंट है आपके पास एफ ठीक है तो जो एफ और टू एफ के बिटवीन डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस होगा बेटा एफ़ और ओ के बिटवीन और यही डिस्टेंस होगा एफ़ और ओर एफ़ के बिटवीन और यही डिस्टेंस होगा एफ़ और टू एफ के बिटवीन ठीक है ये आपके पास ओ ये आपके पास एफ और लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ये और ये डिस्टेंस आपके पास आ गया टू एफ ठीक है तो आपने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ की और स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद आपने यहाँ पे फाइव पॉइंट मार्क कर लिए और सब में डिस्टेंस जो है वो इक्वल रखा और डिस्टेंस कितना है बेटा आप देख रहे हैं जो है वो सब में इक्वल डिस्टेंस है आप लोग चाहें इसमें टू टू सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे सकते हैं आप लोग चाहें कि इनके बिटवीन थ्री थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख सकते हैं या आप लोगों की मर्जी है ठीक है थ्री थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है और थोड़ा सा नीचे करके बनानी है डायग्राम ताकि लेंस बना सकें हम यहाँ पे जब आपने फाइव पॉइंट मार्क कर लिए थ्री थ्री सेंटीमीटर के फासले से थ्री थ्री सेंटीमीटर के डिस्टेंस से तो आपने करना क्या है आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है जो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही बिल्कुल स्ट्रेट हो और रजिस्टर की कॉपी की फोर लाइन ले लेनी है ऊपर दो लाइन है और नीचे वाली दो लाइन ठीक है मिला के आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है और ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये ऊपर और नीचे रजिस्टर की टू टू लाइन्स या कॉपी की टू टू लाइन्स जो मिला के फोर लाइन तक की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है जैसे ही स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन को इन दोनों कॉर्नर्स के मतलब स्ट्रेट लाइन के जो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में मिला देंगे तो आपके पास एक लेंस बन जाएगा कॉन्वैक्स लेंस ठीक है तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो स्ट्रेट लाइन के जो दो कॉर्नर्स हैं उनको आपस में हम मिला देंगे तो हमारे पास लेंस आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस ये स्ट्रेट लाइन क्यों ड्रॉ करवाई है ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा ठीक है तो आपने ऑप्टिकल सेंटर ये जो था आपका ऑप्टिकल सेंटर ठीक है यहाँ से आपने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जिस तरह की फोर लाइन्स ले ली थ्री लाइंस ले लें ऊपर थ्री लाइन नीचे थ्री लाइन तो मिला के सिक्स लाइन पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके एक बड़ा लेंस ड्रा कर लें लेकिन मुनासिब सा फोर लाइन पे एन एफ जो है वो लेंस बन जाएगा फोर लाइन आपने कंसिडर करके एक लेंस आपने ड्रा कर लिया जैसे ही आपने कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना बेटा टू एफ से पहले तो आप यहाँ पर रख लेते हैं बेटा एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रखा हमने टू एफ से पहले अब टू एफ से पहले कितना रखें वही देखें आप टू एफ से पहले रख लें कोई ज़रूरी नहीं है कि, कि कोई प्रॉपर डिस्टेंस हो अब टू एफ से पहले इतना रख लें भाई जैसे एफ़ और टू एफ है इनके बिटवीन डिस्टेंस कितना है भाई इनके बिटवीन अगर डिस्टेंस टू सेंटीमीटर का लिया है तो वन सेंटीमीटर मतलब टू एफ से लेके कर वन सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखें अगर इनके बिटवीन आपने डिस्टेंस लिया है थ्री सेंटीमीटर तो वन पॉइंट फाइव के डिस्टेंस पर रखें टू एफ़ से तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें टू एफ़ से पहले ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉपर डिस्टेंस हो ठीक है आप अंदाजे से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को टू एफ से पहले रख सकते हैं ठीक है कि जो भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ ले लें या फिर अंदाजे से टू एफ से पहले बस ऑब्जेक्ट रखना है मेजरमेंट यहाँ के लिए ज़रूरी नहीं है बस आपने डायग्राम की एक्यूरेसी के लिए ये जो फाइव पॉइंट मार्क किए हैं ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए बीच वाली लाइन और उस पर आपने कर दिया एक लेंस ड्रॉ और ऑब्जेक्ट को रखा टू एफ से पहले और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ठीक है वो इतनी होनी चाहिए जो लेंस के अंदर अंदर आ जाए मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो रजिस्टर की है कॉपी की एक लाइन रख लें तो सही है या 1.5 लाइन रख लें अगर आपने टू लाइन ऊपर और टू लाइन नीचे आपने फोर लाइन पे लेंस बनाया हुआ है तो ऑब्जेक्ट की हाइट बेटा टू लाइन से नीचे नीचे होनी चाहिए ठीक है टू लाइन से कम वन लाइन या वन लाइन की हाइट पर ऑब्जेक्ट बना लें वन लाइन की हाइट पर ऑब्जेक्ट बना लें इससे ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं बनाइएगा ठीक है अब जरा देखें जैसे ही ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगी तो हमने यहाँ पर इमेज फॉर्म करानी है तो ऑब्जेक्ट से बेटा जरा देखिएगा एक लाइट रे गई पैरेलल अब लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जाएगी और कहां तक गई बेटा ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना ब्लू लाइन ठीक है बिल्कुल स्ट्रेट वाली यहां तक ला के छोड़ देंगे ठीक है क्योंकि आपको पता है अगर लाइट रे आएगी पैरेलल तो लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी तो आपने स्ट्रेट लाइन लेके आनी है और इसको ब्लू लाइन ये जो आपने स्ट्रेट लाइन जो आपने बनाई हुई है आप लोग तो इसको पेंसिल से बनाएंगे बेटा ये जो रेड डायग्राम है पेंसिल से बनती है ठीक है याद रखिएगा तो आपकी जो स्ट्रेट लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन आएगी तो आपके लेंस की जो सेंटर वाली लाइन है यहां पे आके रुक जाएगी यहां से लाइट रे होगी बैंड ठीक है और बैंड होगी कहां से पास होगी बेटा प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी ठीक है आपने देखा कि लाइट रे बैंड हुई और प्रिंसिपल फोकस से पास होगी ठीक है तो पहली लाइट रे पैरल आई ठीक है प्रिंसिपल एक्सेस से और लेंस के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन है यहाँ से रिफ्क्ट हुई और देख रहे हैं बेटा कि पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से पास हुई बहुत सारे बच्चे जो है वो ये नहीं समझ में आते ये नहीं समझ पाते सॉरी कि ये नहीं समझ में आता उनको कि भाई लाइट रे को हमने कहाँ से पास कराना है स्ट्रेट लेके आएंगे ठीक है बैंड यहाँ से करा रहे होंगे पहले से करा देंगे नहीं बेटा बिल्कुल इस लाइन से बैंड होगी आप देख रहे हैं आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी लेंस की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर ठीक है यहाँ से लाइट रे होगी साथ साथ बनाएंगे तो बेटा डायग्राम अच्छी बनेगी ठीक है तो अब यहाँ पे इस लाइन से जैसे ही लाइट रे बैंड हुई तो बैंड होगी बेटा देख रहे हैं प्रिंसिपल फोकस, है, बिल्कुल फोकस है, से बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से पॉइंट से ऊपर से नीचे से नहीं बिल्कुल उस पॉइंट से पास होगी ठीक है तो एक लाइट रे ये चली गई फिर आपने देखा कि भाई अगर लाइट रे पैरल लाती है रूल्स पड़े थे लास्ट क्लास में जो पैरल लाती है तो प्रिंसपल लेंस से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस से पास होती है ठीक है देखिएगा दूसरी कंडीशन में कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है अगर लाइट रे आप देखें प्रिंसिपल फोकस से ये देखें प्रिंसिपल फोकस से तो प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे अगर पास होगी तो बेटा रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे अगर बेटा प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी ठीक है तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आएगी तो आप पढ़ के आए थे लास्ट क्लास में रूल नंबर थ्री में कि प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल जाएगी और जैसे ही दोनों लाइट रेज मिलेंगी जहाँ पे जाके ठीक है जहां पे जाके दोनों लाइट रेज बेटा आपने देखा मिलेंगी वहां पे हम इमेज फॉर्म करेंगे ठीक है तो यहां पे दोनों लाइट रेज मिलनी है तो यहां पे हमने इमेज फॉर्म कर दी ठीक है तो ऑब्जेक्ट को अगर हमने देखा टू एफ से पहले रखा था तो इमेज कहां फॉर्म हो रही है बेटा एफ और टू एफ के बिटवीन फॉर्म हो रही है ठीक है कैसे एक लाइट रे पैरेलल आई लेंस के सेंटर से रिफ्लेक्ट हुई प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई स्ट्रेट चली गई दूसरी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से देखें बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे पास हो रही है कहाँ तक आई ब्लू लाइन पे आके रुक गई ये स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की है यहाँ पे आके रुक गई यहाँ से बैंड होगी तो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही थी इस लाइट से इस लाइन से रिफ्रैक्ट हुई और बिल्कुल पैरल चली गई जहाँ पर रेड और ग्रीन ये दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पर हम इमेज फॉर्म करा देंगे बेटा ये इमेज फॉर्म हो रही है ये था ऑब्जेक्ट सही भाई तो आपने देखा ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f से पहले रखेंगे तो इमेज f और 2f के बिटवीन फॉर्म होगी सही है अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट से डिस्टेंस रखते हैं कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है बिल्कुल इसका हाफ डिस्टेंस ले लिया वन सेंटीमीटर के फासले पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पर कि अगर वन सेंटीमीटर के फासले में ऑब्जेक्ट और टू के बिटवीन वन सेंटीमीटर रखा ठीक है जो इसका हाफ़ डिस्टेंस है तो यहाँ पे इमेज भी बिल्कुल सेंटर में बनेगी अच्छा इमेज सेंटर में बने साइड में बने पहले बने बस टू मतलब ये टू एफ और एफ के बिटवीन बननी चाहिए ये है आपके पास केस नंबर वन कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस बिफोर टू एफ दैन द इमेज विल बी फॉर्म इज़ बिटवीन एफ़ एंड टू एफ तो इमेज अगर ऑब्जेक्ट टू एफ से पहले बेटा रखा हुआ होगा टू एफ से पहले प्लेस हुआ हुआ होगा तो इमेज जो है वो हमेशा कहाँ फॉर्म होगी एफ़ और टू एफ़ के बिटवीन ठीक है भाई एक इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई दूसरी प्रॉपर्टी क्या आपने देखा ऑब्जेक्ट आप रखा है यहाँ पे तो इमेज बन रही है यहाँ पे ऐसे उल्टी तो बेटा एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेंस के बाद इमेज बन रही है तो बेटा लेंस का काम क्या है रिफ्रैक्ट कराना लाइट को और रिफ्रैक्शन के बाद अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब रियल है कि भाई अगर लेंस के बाद इमेज बन रही है तो इसका मतलब बेटा क्या है रियल इमेज फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट ऐसे था इमेज ऐसे बन रही है तो इमेज उल्टी बन रही है तो इसका मतलब बेटा क्या है यहाँ पे इमेज इन्वर्टेड है ठीक है तो लेंस के बाद बन रही है इमेज तो रियल है उल्टी बनेगी तो बेटा इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट की हाइट से आप देखें थोड़ी सी छोटी है अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज की हाइट थोड़ी सी छोटी बनेगी ठीक है अगर आपने वन लाइन पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है रजिस्टर की कॉपी की वन लाइन पर ऑब्जेक्ट की हाइट रखी है तो यहाँ से जब लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि एक लाइन से पहले ये जो इमेज की जो हाइट होगी वो एक लाइन से भी कम होगी अगर आपने ऑब्जेक्ट की हाइट रखी है 1.5 पॉइंट फाइव लाइन्स ठीक है तो इमेज की हाइट होगी वन लाइन के अराउंड तो मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज थोड़ी सी इमेज की हाइट क्या होगी छोटी होगी अगर ऑब्जेक्ट टू एफ से पहले रखेंगे तो इमेज एफ और टू के बिटवीन बनेगी और ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनेगी ठीक है तो अब चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ तो हिंड डाल देंगे प्रॉपर्टीज की और प्रॉपर्टीज लिखेंगे हिंड डाल देंगे बेटा हम प्रॉपर्टीज की और प्रॉपर्टीज लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी इमेजेस रियल बट द सेकेंड प्रॉपर्टी इमेज इज इन्वर्टेड ठीक है थर्ड प्रॉपर्टी इमेज इज स्मॉलर इन साइज आपने देखा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज इमेज थोड़ी सी छोटी बन रही है इमेज इज फॉर्म इमेज इज फॉर्म बिटवीन एफ एंड टू एफ इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है यह भी बताने इमेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड टू एफ इमेज कहां फॉर्म हो रही है सही तो यहां तक आके आपके पास केस हो गया कंप्लीट केस वन की हमने रे डायग्राम रेडाइग्राफी बनाना सीख ली और इसकी प्रॉपर्टीज भी यहां पे हम डिस्कस कर हमने डिस्कस कर ली अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ केस नंबर टू की तरफ जल्दी से इसको कॉपी करें केस टू पे आ जाए यहीं डाल देंगे केस टू केस टू में कह रहा है कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट टू एफ आपने देखा केस नंबर टू में क्या है अब कह रहे कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट टू एफ के केस वन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कह रहा है कि कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है केस सॉरी केस टू में ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है टू एफ़ पे तो केस वन में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हुआ हुआ था बेटा बिफोर टू एफ टू एफ से पहले अब आपने क्या करना है ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आना है और केस टू में ऑब्जेक्ट को टू एफ पे प्लेस करना है ठीक है बिल्कुल इसी तरह से हम सारे केसेस जो करेंगे केस नंबर थ्री में ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे टू एफ से आगे लेके आ जाएंगे केस नंबर फोर में ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आएंगे एफ पे रख देंगे ठीक है केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को f और o के बिटवीन ये रखेंगे मतलब ऑब्जेक्ट को ऐसा ऐसा आगे लेके आते रहेंगे और इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये भी बताते रहेंगे केस नंबर टू में ऑब्जेक्ट है बेटा 2f पे तो अब हम इसकी बनाएंगे रेड तो यहीं डाल देंगे रेड की अच्छा बेटा तो रेड डायग्राम जरा देखिएगा आपने की स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है ठीक है और इस स्ट्रेट लाइन पे आपने फाइव पॉइंट्स मार्क कर देना है इक्वल डिस्टेंस पे जैसे एक आपने मार्क किया भाई टू एफ ठीक है एक आपने मार्क कर दिया एफ थ्री थ्री सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं डिस्टेंस ठीक है distance, जैसे हमने यहाँ पे लिया था थ्री सेंटीमीटर का टू सेंटीमीटर का ठीक है तो हमने ले लिया एक एफ टू एफ ठीक है इतने ही डिस्टेंस पे हम यहाँ पे ठीक है भाई तो ये हमारे पास आ गया ओ एफ और टू एफ तो आपने जो इक्वल डिस्टेंस पे फाइव पॉइंट मार्क कर देना है ठीक है स्केल रखना है फाइव पॉइंट्स मार्क कर दिए इक्वल डिस्टेंस पे थ्री थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना ज्यादा अच्छी बात है ठीक है बिल्कुल साफ सुथरी डायग्राम बनेगी तो एक टू एफ एफ ओ एफ और टू एफ फिर आपको क्या बताया था कि रजिस्टर की टू लाइन और नीचे टू लाइन मिला के फोर लाइन के मतलब की हाइट पे हमने बनाना होता है लेंस तो आपने ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है तो टू लाइन ऊपर और टू लाइन नीचे नी, कवर करी हो जो लाइन ठीक है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई इन लाइंस के कॉर्नर्स को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास लेंस बन जाता है तो थोड़ा सा सही से हम बना लेते हैं इसको तो जो लेंस है ना आप डी रख के डी को उल्टा करके भी आप यहाँ पे लेंस को आप बना सकते हैं ठीक है या आप लोग जो है वो बाय हैंड बना लें बहुत स्मूथ कर्व बना लें ठीक है तो यहाँ पे आपके पास लेंस आ जाएगा ठीक है ये हमारे पास आ गया एक लेंस ठीक है ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स लेंस अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है बेटा 2f पे और ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी ठीक है वो ऑब्जेक्ट की हाइट आप वन लाइन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है रजिस्टर की कॉपी की वन लाइन के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं ठीक है तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया यहाँ पे और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हम यहाँ पे रजिस्टर की वन लाइन के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं जैसे ही अब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट से बेटा आपको पता है दो लाइट रेज जो है वो इमिट होंगी ठीक है एक लाइट रे पैरल जाती है तो जो लाइट रे पैरल जाएगी तो क्या बताया था ब्लू लाइन पे आके रुक जाएगी ठीक है जो लाइट रे पैरल जाएगी कहाँ आ रुक जाएगी ब्लू लाइट रे ब्लू लाइन पे मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे और यहाँ से बैंड होगी जहाँ बैंड होगी तो कहाँ से पास होगी बेटा प्रिंसिपल फोकस से पास होगी ठीक है कहाँ से पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी प्रिंसिपल फोकस से दूसरी लाइट रे को हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे सॉरी दूसरी लाइट रे को हम यहाँ पे किससे प्रिंसिपल फोकस से पास करेंगे तो जो रे बेटा प्रिंसिपल फोकस से पास होती है ठीक है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी कहाँ पे लेंस में और जो रे बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से जब वो पास होते हुए आ रही है तो बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी अब जब ये दोनों लाइट रेज मिलेंगी स्ट्रेट जाएंगी मतलब आपने देखा प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे आ रही है तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सेस से बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी जहाँ पे दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पे बेटा इमेज फॉर्म हो जाएगी और आपने देखा कहाँ पे मिलनी दोनों लाइट रेस दोनों लाइट रेज आके टू एफ़ पे मिलनी है ठीक है तो यहाँ पे आके इमेज फॉर्म हो गई ठीक है कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा इमेज टू एफ पे तो आपने एक चीज़ सीखी यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट आपका बेटा टू एफ पे होगा तो इमेज भी टू एफ पे ही फॉर्म होगी अगर ऑब्जेक्ट टू एफ पे है और आपकी मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है ठीक है ये आपने अंदाजे से ही बनाना है बिल्कुल एक्यूरेसी से तो आपकी रे डाइग्राम के अकॉर्डिंग मतलब अगर ऑब्जेक्ट टू एफ पे है तो इमेज भी आपकी टू एफ पे ही फॉर्म होगी बस क्या इस किस चीज़ का ख्याल रखना है सॉरी कि लाइट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है देखें इस पॉइंट से पास होते हुए आ रही है पैरेलल जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होगी अगर लाइट को पैरल या बाद में पास कराएंगे उसके बाद रिफ्रैक्ट कराएंगे पैरेलल नहीं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लेके जाएंगे तो आपकी डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनेगी ठीक है यहाँ पर प्रॉब्लम होती है बच्चों को डायग्राम में कि देखें अब लाइट आ रही है प्रिंसिपल फोकस से पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन बिल्कुल लाइट रे कहाँ से बेंड हो रही है सेंटर से और प्रिंसिपल फ़ोकस से पास हो रही है तो ये चीज़ें जो है इनका अगर ख्याल रखेंगे तो डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी तो अब आप यहाँ पे देखें कि भाई ऑब्जेक्ट आपने रखा लेंस से पहले है, तो इमेज बन गया लेंस के बाद रियल इमेज है ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज उल्टी बन रही है इन्वर्टेड है ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का साइज या ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही इमेज की हाइट है ठीक है तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वही इमेज की हाइट है अगर ऑब्जेक्ट टू पे हो तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा वो इमेज फॉर्म हो रही है टू पे ही अगर ऑब्जेक्ट टू पे तो इमेज भी टू पे फॉर्म होगी ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट है या ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस होगा वही इमेज डिस्टेंस होगा देखें ये ऑब्जेक्ट है ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है बेटा इमेज डिस्टेंस ठीक है तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही इमेज का डिस्टेंस होगा ठीक है इसी तरह जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वही इमेज की हाइट होगी चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ तो वहीं डाल देंगे हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की और प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे इमेज इज रियल इमेज इज इन्वर्टेड इमेज जो है कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा इमेज टू एफ पे और साइज क्या इमेज का सेम है तो इमेज इज सेम इन साइज या इक्वल इन साइज ठीक है सेम इन साइज या इक्वल इन साइज एंड द लास्ट वन इज इमेज फॉर्म इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट टू एफ तो अगर ऑब्जेक्ट टू एफ पे है तो बेटा इमेज भी कहां फॉर्म हो रही है टू एफ पे ही फॉर्म हो रही है आपके पास केस नंबर टू अब हम चलते हैं केस नंबर थ्री पे हिंडाल देंगे केस नंबर थ्री की. केस नंबर थ्री में देखें जरा क्या कह रहा है कि वैन कि मैंने आपको क्या बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके जाएंगे पहले 2F से पहले से था फिर हमने टू एफ पे अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड टू एफ अगर हम ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ के बिटवीन पहले एफ से टू एफ से पहले था फिर हमने कहा रखा बेटा टू एफ पे अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे एफ और टू एफ के बिटवीन रखेंगे सही है तो अब बनाएंगे यहाँ पे बेटा इसकी रेडाइग्राम इस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है आपने ठीक है उसके बाद आपने फाइव पॉइंट्स मार्क करने हैं आपको पता है इक्वल डिस्टेंस पे टू एफ ठीक है एफ और यही जो डिस्टेंस होगा वो सब में हो जाएगा तो इसको हम नाम दे देंगे ओ ऑप्टिकल सेंटर एफ एंड टू एफ ठीक है भाई तो ये आपके पास जो है प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ फाइव पॉइंट आ गया फिर आपको क्या बताया बेटा कॉपी की जो है वो टू लाइन टू लाइन नीचे मिला के ऑप्टिकल सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन हम जो है वो ड्रॉ कर देंगे ठीक है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें उसके बाद इन स्ट्रेट लाइंस जो है ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इनके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम मिला दें आप उसमें तो हमारे पास एक लेंस आ जाएगा ठीक है तो हमने बना लिया तो हमारे पास आ गया एक लेंस अगर आप देखें तो ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर ये हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स लेंस अब यहाँ पे एफ़ और टू के बिटवीन रखेंगे हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है बिल्कुल F और 2F के सेंटर में रखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए जितनी आपकी लेंस की हाइट है उससे नीचे नीचे मतलब रजिस्टर की आप एक लाइन जो होती है रजिस्टर की ठीक है उसकी हाइट पे आप ऑब्जेक्ट रख सकते हैं अब आपने रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेटा तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे पैरेलल जाएगी और जो लाइट रे बेटा ऑब्जेक्ट से कहाँ तक जाएगी कहाँ तक लेके जाते हैं इसको ब्लू लाइन तक ठीक है यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन है तो जो लाइट रे बेटा ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाती है कहाँ से पास हो जाती है प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी ठीक है प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो और दूसरी कंडीशन कि लाइट रे चलें पैरेलल चली गई अब यहाँ से अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कराएं तो प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे पास करने के लिए हमारे पास लेंस की जो हाइट है वो कम है तो इस वजह से हम यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस के बजाय ऑप्टिकल सेंटर से ही लाइट रे को पास कराएंगे और अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से बेटा पास हो तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी थोड़ा सा इसको स्ट्रेट कर देते हैं आप लोग स्किल से बनेंगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी ये डायग्राम ठीक है तो ये लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी इसको आगे पास करा दें ठीक है भाई तो जहाँ पे ये दोनों लाइट रेस बेटा मिलेंगी जहाँ पे ये दोनों लाइट रेस मिलेंगी वहाँ पे बेटा इमेज फॉर्म हो जाएगी देखिए प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी तो आपने देखा कि इमेज जो है वो यहाँ पे 2f के बाद जाके फॉर्म हो रही है ठीक है तो अगर हम ऑब्जेक्ट को f और 2f के बिटवीन रखते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद ठीक है लाइट रेज पास होके जो जा रही हैं और जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पर इमेज बनेगी तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा टू के बाद जाके ठीक है तो केस नंबर थ्री केस नंबर वन का बिल्कुल रेसिप्रोकल है अगर आप देखें तो केस नंबर वन में ऑब्जेक्ट टू एफ से पहले था इमेज बन रही थी एफ और टू एफ के बिटवीन केस नंबर थ्री में ऑब्जेक्ट जो है वो एफ़ और टू एफ़ के बिटवीन है तो इससे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो टू एफ के बाद जाके फॉर्म हो रही है ठीक है और अब ऑब्जेक्ट को ऐसा ऐसा करीब लेके आ रहे हैं तो इमेज का साइज़ भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है पहले ऑब्जेक्ट टू एफ से पहले था इमेज छोटी बन रही थी ऑब्जेक्ट से फिर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेके आए टू एफ पे रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज जो है वो पे जैसे ही ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो साइज है दोनों की हाइट है फिर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और लेके आगे गए जो ऑब्जेक्ट को और आगे लेके गए एफ और टू एफ बिटवीन रखा तो इमेज का साइज आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा हो गया ठीक है तो ऑब्जेक्ट की हाइट से इमेज की हाइट थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बन रही है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ बिटवीन रखा अब इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो अगर ऑब्जेक्ट जो है बेटा एफ़ और टू एफ के बिटवीन रखा हुआ है और इमेज जाके लेंस के बाद बन रही है तो बेटा लेंस के बाद इमेज बन रही है तो इसका मतलब रियल है उल्टी बन रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा इन्वर्टेड है और जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हाइट है ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उससे बड़ी बन रही है तो इसका मतलब इमेज मैग्नीफाइड बन रही है अपने इमेज थोड़ी सी ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाई फॉर्म हो रही है मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट से सही है और कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा बियॉन्ड टू एफ टू एफ के बाद जाके इमेज फॉर्म हो रही है ठीक तो है तो रेड डायग्राम जल्दी से बनाए प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी फिर प्रॉपर्टीज के इन डाल के इसकी प्रॉपर्टीज हम लिख लेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर वन इमेज इज रियल प्रॉपर्टी नंबर टू इमेज इज इनवर्टेड प्रॉपर्टी नंबर थ्री इमेज इज मैग्निफाइड इमेज इज मैग्निफाइड एंड प्रॉपर्टी नंबर फोर इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड टू एफ इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड टू एफ टू एफ के बाद जाके इमेज फॉर्म हो रही है इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड टू एफ ठीक है बेटा ये हो गया के केस नंबर थ्री तीन केसेज हमने डिस्कस कर लिया है ठीक है तीन केसेस हमने डिस्कस कर लिए और अब हम चलते हैं केस नंबर फोर की तरफ अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे अगिले जाएंगे ऑब्जेक्ट को हमने एफ और टू एफ की रखा है और ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एफ पे लाके ठीक है चलते हैं केस नंबर फोर की तरफ अच्छा बेटा तो केस नंबर फोर देखिएगा केस नंबर फोर ठीक है यहाँ पे करेंगे फिर केस नंबर फाइव यहाँ पे ताकि केस नंबर फोर जो है वो क्लियर आपको सामने समझ में आ जाए केस नंबर फोर में अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को अब हम रखेंगे केस नंबर फोर में एफ पे ठीक है पहले हमने रखा टू एफ से पहले फिर हमने कहाँ रखा बेटा एफ और टू एफ के बिटवीन फिर हमने रख जो है मतलब केस नंबर टू में हमने रखा ऑब्जेक्ट को टू एफ़ पे फिर केस नंबर थ्री में एफ और टू एफ के बिटवीन अब केस नंबर फोर में हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे सही है तो आपने यहाँ पे क्या करना है स्ट्रेट लाइन यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी अब बनानी है स्ट्रेट लाइन ठीक है यहाँ पे हम प्रिंस ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम क्या कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस तो प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा सा बना बड़ा बना देंगे ऑब्जेक्ट रखना है हमने कहाँ पे बेटा एफ पे तो आपने वही फाइव पॉइंट्स मार्क करने थोड़ा से लेफ्ट साइड से पॉइंट मार्क करना शुरू करेंगे ठीक है कि ये है आपके पास टू एफ़ ठीक है बेटा ये आपके पास आ गया एफ तो एफ़ और टू एफ का ये जो डिस्टेंस होगा यही सबका इक्वल डिस्टेंस होगा ओ एफ टू एफ आपने जो है वो फाइव पॉइंट्स मार्क करना है उसको नाम दे देना है एक को टू एफ का एक को एफ का एक को ओ का बेटा एक को फिर एफ का और फिर टू एफ का ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ठीक है यहाँ से आपने फोर लाइन ऊपर मतलब टू लाइन ऊपर टू लाइन नीचे एक आपने जो है क्या करना है ये स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ठीक है बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन है इस स्ट्रेट लाइन के कॉर्नर्स को हम आपस में मिला देंगे स्मूथ कर्व से तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा एक लेंस जो है वो फॉर्म हो जाएगा थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं ठीक है भाई तो हमारे पास एक लेंस फॉर्म हो गया इसको हमने क्या नाम दे दिया कॉन्वेक्स लेंस का अब ऑब्जेक्ट को रखना है हमने बेटा कहाँ पे एफ पे ऑब्जेक्ट को रखा हमने एफ पे ये है हमारा ऑप्टिकल सेंटर ठीक है ऑब्जेक्ट को जब हम रखेंगे बेटा एफ पे तो बेटा ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेस इमिट होंगी एक लाइट रे बेटा पैरल जाएगी तो जो लाइट रे बेटा पैरल जाती है आपको पता है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ यहाँ तक आएगी पैरेलल और स्ट्रेट लाइन से बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्ट करके कहाँ से पास हो जाएगी प्रिंसिपल फोकस से ठीक है प्रिंसिपल फोकस से हमने पास करा दी ठीक है दूसरी लाइट रे यहाँ पे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी अब जरा देखें आप कि ये जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है और ये जो आपके पास पैरल आ रही थी प्रिंसिपल फोकस से पास हुई है ये दोनों लाइट रेज थोड़ी सी कन्वर्ज हो रही हैं ठीक है दोनों लाइट रेस कन्वर्ज हो रही हैं तो अब यहाँ पे मिल तो नहीं रही है लेकिन कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही है जब कन्वर्ज होती हुई नज़र आ रही है तो इस केस नंबर फोर में बताते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ़ पे रखते हैं तो इनकी जो लाइट रेज हैं ये बहुत दूर जाके मिलती हैं ठीक है थीके? बहुत दूर जो कहते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस हमें भी नहीं पता बहुत दूर जाके लेकिन कन्वर्ज होते हुए नजर आ रही कहीं ना कहीं जाके तो मिलेंगी एक दूसरे के, के करीब आ रही हैं कहीं ना कहीं जाके जा, मिलेंगे और जहाँ पे दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म कर देंगे अब हम कहाँ तक इनको मिलाते हुए जाएंगे इस वजह से हम यहाँ पे जैसे ही टू के बाद ये लाइट रेज क्रॉस करती हैं तो हम इनको डॉटेड लाइन में हम डॉटेड लाइन में इनको अपनी मर्ज़ी से मिला देते हैं डॉटेड लाइन में और ये ज्यूम करते हैं कि भी बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं मिल रही होंगी और जहाँ ये मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी ठीक है तो इसको 2F के बाद जब ये दोनों लाइटरीज आएंगी तो इनको डॉटेड लाइन में आगे मिला देना है ठीक है जहाँ पे ये दोनों लाइटरीज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी मतलब बताते ये हैं कि बहुत ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मिलती हैं, ठीक है थीके? तो बिल्कुल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके ये लाइट रेस मिलेंगी और वहां जहां मिलेंगी वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी ठीक है तो ऑब्जेक्ट अब देखें एफ पे रखा तो इमेज कहाँ पे बन रही है जाके बेटा इन्फिनिटी पे जाके बन रही है लेकिन लेंस के बाद बन रही है ना तो रियल है ऑब्जेक्ट से उल्टी बन रही है तो क्या इन्वर्टेड है? है और ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी ठीक है तो इस वजह से कहते हैं हाईली मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होगी ठीक है और कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा इन्फिनेटी पे तो अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखें प्रॉपर्टीज केस नंबर फोर की प्रॉपर्टीज डाल दें और प्रॉपर्टीज लिखिएगा पहली प्रॉपर्टी इमेज इज रियल property number 2 images inverted property number 3 image is highly magnified property number 4 image is formed at इन्फिनिटी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा इन्फिनिटी पे जाके फॉर्म हो रही है सही है? और बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है रियल है और इन्वर्टेड है ये प्रॉपर्टीज आपने लिख ली अब आ जाएं। केस नंबर फाइव पे और केस नंबर फाइव में अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेके जाएंगे अब ऑब्जेक्ट को एफ और ओ के बिटवीन रखेंगे सही है तो केस नंबर फाइव वेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ एंड ओ तो एफ और ओ ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बिटवीन रखेंगे ऑब्जेक्ट को उसके लिए हम बनाएंगे यहां पे पहले रे डायग्राम बना रहे हैं तो आपने एक स्ट्रीट लाइन जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ये फॉर्म कर देना है ठीक है अच्छा प्रिंसिपल एक्सेस जो है अब केस नंबर फाइव में थोड़ा सा रेड डायग्राम के नीचे फॉर्म करेंगे ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रख के मार्क करेंगे प्रिंसिपल एक्सेस को यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस फॉर्म कर दिया और इस पर वही फाइव पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं एक आपके पास आ जाएगा टू एफ ठीक है बेटा एफ़ एफ और टू एफ़ के बिटवीन जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस हम ले, ले लेंगे आगे भी एक को ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस 2f ठीक है अब यहाँ पे ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ से आपने क्या करना होता है बेटा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है और इस स्ट्रेट लाइन के जो कॉर्नर्स हैं हम इनको मिला देंगे आपस में तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक लेंस आ जाएगा और इस लेंस को हम क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं ठीक है कॉन्वेक्स लेंस आ गया अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को आपने एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखना है तो एफ और ऑब्जेक्ट एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन हमने रखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ठीक है तो यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा F और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन तो यहाँ से अब एक लाइट पैरेलल जाएगी लाइट रे बेटा पैरेलल जाती है तो ये जो लेंस के बिटवीन लाइन है सेंटर वाली लाइन यहां से होगी रिफ्रैक्ट और बैंड होके प्रिंसिपल फोकस से पास होगी बैंड होके प्रिंसिपल फोकस से लाइट रे पास होगी दूसरी लाइट रे कहा से ऑप्टिकल सेंटर से बेटा पास होगी तो जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ठीक है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी ठीक है आपने देखा एक लाइटर पैरल गई प्रिंसिपल फोकस से पास हुई दूसरी लाइटर ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो ये दोनों रेज अगर जा रही हैं आगे तो आगे जाके बेटा कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज हो रही है यहां पे तो रेज मिल रही थी ना कन्वर्ज हो रही थी हमने आगे जाके डॉटेड लाइन में मिला दिया यहाँ पे तो रेज कन्वर्ज हुई नहीं रही ठीक है ऐसा ऐसा क्या हो रहा है जैसे जैसे ये आगे जाके डिस्टेंस कवर करिए डाइवर्ज हो रही है तो इसका मतलब ये आगे जाते रहेंगी तो ये डाइवर्ज होती रहेंगी आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं जब मिलेंगी नहीं तो इसका मतलब इमेज ही फॉर्म नहीं होगी तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट को एफ प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन ये है आपके पास ऑप्टिकल सेंटर तो अगर आप ऑब्जेक्ट को एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन रखेंगे तो इमेज फॉर्म कॉन्वेक्स लेंस से नहीं होगी तो इस वजह से कहते हैं कि भाई इमेज फॉर्म नहीं हो रही लेकिन हमने करवाना है तो किस तरह से करवाते हैं तो बताते हैं कि भाई लाइट रे जब रिफ्रैक्ट हो रही है और पास हो रही है कॉन्वेक्स लेंस से तो कहते हैं कि कुछ लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी होते हैं कुछ लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट भी होते हैं तो जब लाइट के पार्टिकल रिफ्लेक्ट होंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन से इमेज फॉर्म जो है वो हो रही होगी कैसे कि लाइट रे आई पैरल और रिफ्लैक्ट होके प्रिंसिपल फोकस से पास हो गई तो कहते हैं कि लाइट के कुछ पार्टिकल्स ठीक है वो रिफ्रैक्ट के साथ साथ रिफ्लेक्ट भी होते हैं तो लाइट को जो है वो हमने क्या करा डॉटेड लाइन में आगे पास करा दिया कि okay, भाई लाइट रे जो है वो क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है इसी तरह सेकेंड लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो ये भी इसको भी डॉटेड लाइन में हम आगे पास करा देंगे कि लाइट के की कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स लाइट के रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ठीक है तो इसको भी हम डॉटेड लाइन में आगे पास करा देंगे जहाँ पे जाके ये दोनों रिफ्लैक्शन आपने देखा कि हमने लाइट को रिफ्लेक्ट करवा दिया देखिए बैक साइड रिफ्लेक्शन से और ये भी लाइट रे रिफ्लैक्ट हुई तो कुछ लाइट के पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हो गए तो जहाँ पे रिफ्लेक्शन से बैक साइड रिफ्लेक्शन से जहाँ पे ये दोनों इमेज मिल जहाँ पर दोनों लाइटरेज मिलेंगी वहाँ पर जाके बेटा इमेज फॉर्म हो जाएगी जहाँ पर दोनों लाइटरेज मिलेंगी वहाँ पर जाके इमेज फॉर्म हो जाएगी ठीक है यहाँ पे दोनों लाइट रेज मिलनी है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी ठीक है ये इमेज फॉर्म हो गई तो आपने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम F और O के बिटवीन रख रहे हैं तो इमेज जो है वो रिफ्लैक्शन से फॉर्म हो रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है मतलब मैग्नीफाइड है ठीक है अब देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा रिफ्लैक्शन के बाद लेंस के बाद बननी चाहिए थी इमेज देखें सारे केसेस में लेंस के बाद इमेज फॉर्म हो रही है लेकिन यहाँ पर लेंस से पहले इमेज फॉर्म हो रही तो इसका मतलब बेटा रियल तो नहीं है वर्चुअल है और जिस साइड पर जैसे ऑब्जेक्ट है ठीक है तो वैसे ही इमेज फॉर्म हो रही है तो इसका मतलब उल्टी नहीं बन रही है यहाँ पर इमेज सीधी सीधी इमेज बन रही है तो इसका मतलब इमेज जो है वो क्या इरेक्ट है मैग्नीफाइड है और दूसरा जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है ठीक है तो ये आ जाएंगी इसकी प्रॉपर्टीज़ अब हैंड डाल देंगे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज़ की और प्रॉपर्टीज़ लिख लेंगे Images रियल इमेज इज सॉरी इमेज रियल नहीं है बेटा लेंस से पहले बन रही है तो इमेज वर्चुअल है और सीधी बन रही है तो बेटा इरेक्ट है सही है बेटा और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है तो क्या लिखेंगे इमेजेस मैग्नीफाइड और कहाँ फॉर्म हो रही है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है तो क्या लिखेंगे इमेज इज फॉर्म एड द सेम साइड सेम साइड ऑफिन ऑब्जेक्ट जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है ठीक है बेटा तो जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है होगी आपका केस नंबर फाइव अब हम चलते हैं केस नंबर सिक्स की तरफ केस नंबर फोर डिस्कस कर लिया केस नंबर फाइव डिस्कस कर लिया अब हम जा रहे हैं केस नंबर सिक्स की तरफ तो केस नंबर सिक्स जो है जरा देख लीजिएगा कि भाई केस नंबर सिक्स में अब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा ये हम हम सीखेंगे केस नंबर वन में ऑब्जेक्ट टू एफ़ से पहले था केस नंबर टू में ऑब्जेक्ट टू एफ़ पे था केस नंबर थ्री में यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो एफ़ और टू एफ़ के बिटवीन था केस नंबर फोर में ऑब्जेक्ट एफ़ पे था केस नंबर फाइव में ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आया एफ और ओ के बिटवीन रखा अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ओ पे रखेंगे नहीं बेटा वे तो आई नहीं सकता लेंस है ना ऊपर ठीक है ऑप्टिकल सेंटर पे वो तो लेंस को ऑप्टिकल सेंटर है लेंस पे कैसे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं फिर इमेज कहाँ कैसे बनेगी तो इस वजह से बताते हैं केस नंबर सिक्स जो है ये स्पेशल केस है इस केस में ऑब्जेक्ट ही इन्फिनिटी पे होगा मैन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी ठीक है अब आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ है ऑब्जेक्ट इफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे कैसे इमेज फॉर्म होगी अगर वहाँ से इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही हैं कोई ऑब्जेक्ट जैसे बहुत दूर है सनलाइट आ रही है ठीक है उसकी इमेज कैसे फॉर्म हो रही है ठीक है बहुत दूर डि फासले बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर लाइट रेज जो है वहाँ से आ रही है और कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट हो रही है तो इमेज कैसे और कहाँ फॉर्म होगी चलते हैं केस नंबर सिक्स की तरफ इसकी बनाएंगे हम बेटा रे डायग्राम तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ठीक है और उसमें वही फाइव पॉइंट्स बेटा मार्क कर देंगे सॉरी तो फाइव पॉइंट्स बेटा मार्क कर लेंगे और एक को एफ एक को टू एफ और एक को ओ का नाम दे देंगे ठीक है स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद फाइव पॉइंट्स हम मार्क कर देंगे एक को नाम दे देंगे बेटा टू एफ का ठीक है एक को नाम दे देंगे एफ का एक को ओ का और एक को टू एफ का ठीक है टू एफ फिर एफ तो यही डिस्टेंस ले लेंगे सब में ये आपके पास ओ एफ और टू एफ फिर क्या करते हैं ऑब्जेक्ट जहाँ ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे लेंस के लिए फोर लाइन ऊपर टू लाइन या थ्री लाइन ले लें ठीक है एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो रही हो और क्या करना है इनके कॉर्नर्स को इस लाइन के कॉर्नर्स को आपस में हम मिला देंगे तो बेटा हमारे पास एक लेंस फॉर्म हो जाएगा ठीक है इसको हम नाम दे देंगे कॉन्वेक्स लेंस का अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से जो है लाइट रेज आएंगी कैसे आएंगी ज़रा देखिएगा कि एक लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो बिल्कुल पैरेलल लाइट रेज आएंगी कैसे आएंगी दो लाइट रेज आएंगी बिल्कुल पैरल एक लाइट रे आ रही है, है कहाँ से बेटा इन्फिनिटी से और प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है अगर लाइट रे इन्फिनी से आएगी और प्रिंसिपल फोकस से यहाँ से पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से तो आपको पता है बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी तो जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आती है ठीक है पास होते हुए तो वो रिफ्रैक्शन के बाद बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए आएगी ठीक है तो जो रे बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए आएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी और जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाएगी आपने देखा ये दोनों लाइट रेज जो हैं वो कहाँ मिल रही हैं F पे आके मिल रही हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा F पे तो लाइट रेज को आपने बिल्कुल पैरेलल ये देखें इक्वल डिस्टेंस में लेके आने कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्रैक्ट होकर बिल्कुल पैरल चली गई और अगर लाइट लाइट्रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बेटा बैंड नहीं होगी स्ट्रेट जाएगी जहाँ पे दोनों लाइट लाइट्रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई तो आपने देखा अगर ऑब्जेक्ट इफिनिटी पे है वहाँ से दो लाइट लाइट्रेज आ रही हैं और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है एफ पे तो केस नंबर फोर का बिल्कुल रेसिप रोकल है ये कि अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो आप देख रहे हैं इमेज कहाँ बन रही है एफ पे सही है तो अब हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज देखें लेंस के बाद बन रही तो है तो रियल है उल्टी बन रही है इन्वर्टेड है छोटी सी बन रही है स्मॉल है इन साइज है और कहाँ फॉर्म हो रही है इमेजेस फॉर्म एट एफ ठीक है भाई कहाँ फॉर्म हो रही है इमेज एफ पे फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल फोकस पे फॉर्म हो रही है अब लिखेंगे बेटा इसकी प्रॉपर्टीज तो प्रॉपर्टीज की ही डाल के प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा इमेजेस real number 2 images inverted number 3 images smaller in size n number 4 image is formed at F. तो इमेज का फॉर्म हो रही है बेटा F पे ठीक है तो यहाँ तक आके हमने क्या करा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस डिस्कस कर लिए सिक्स केस थे और सिक्स के सिक्स केसेस हमने यहाँ पे आके डिस्कस कर लिए ठीक है बेटा तो बस हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है तो उसके अंदर हमने जो है वो कौन सा टॉपिक डिस्कस करने हैं उसके अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस जो है कॉन्केव लेंस से कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी उसके कोई केसेस नहीं है उस बस की एक ही कंडीशन एक ही केस है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक मैग्नीफिकेशन का फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे चलेंगे ये सारी चीज़ें इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे करेंगे और ये केसज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग वाट्सअप कर सकते हैं आप लोग ई कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें व्हाट्सएप ई एड्रेस आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है जाते जाते अगर आप लोगों ने लेक्चर लाइक नहीं किया वीडियो लाइक नहीं की तो ज़रूर लाइक करें चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है अल्लाह हाफिज़